इस वाले में वहाँ से क्या आता है? देखो सॉल्वेंट प्लांट से जो भी तेल निकलता है, खली निकलता है तो खली तो उधर चला जाता है, दिखा दिए वो, और जब तेल निकलता है तो ये जो तीन या चार टैंक बने हुए हैं इनमें आ जाता है। आपने अभी वीडियो में जो देखा टैंकर से तेल एक टैंकी छोटे टैंक में गिर रहा है, फिर वहाँ से मोटर द्वारा उसको ऊपर भेजा जा रहा है। इन सारे टैंक जो टैंक लगे हुए हैं इसमें जाके सेव होगा, उसके बाद जब फिर उसको रिफाइनरी के लिए यूज़ करना होगा तो वो आगे यूज किया जाएगा। नीचे जो वो टैंक है वहाँ पे आपने देखा है कि टैंकर से जो भी तेल आता है तो वहाँ पे स्टोर हो जाता है, और स्टोर होने के बाद फिर पाइपलाइन द्वारा ये जो बड़े बड़े जो क्या बोलते हैं टैंक दिखाई दे रहा है ये है, फिर से इधर वाला है, इन्हें न्यूट्रलाइज़र कहते हैं। तो इसमें जब तेल आता है तो इसमें से जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है तेल की, क्योंकि जो क्रूड ऑयल होता है उसमें कोई ना कोई इम्प्योरिटीज़ रहती है, तो उसको हटाने के लिए इधर ढेर सारे क्या बोलते हैं भैया इसको, एसटी बोलते हैं, पूरा क्या बताया था, हाइड्रेक्शन टैंक। हाइड्रेक्शन टैंक तो ये क्या करता है, ये हमारा गम्स को फाड़ता है। ओके जी, ये गम्स को फाड़ करके हमारा जो उसमें से गम्स होता है ये मशीन चलता है ना, तो वहाँ से निकाल देता है उसको बाहर। ओके, तो मतलब बेसिकली अगर सीधा सीधा सिंपल लैंग्वेज में समझें तो तेल का जो भी मतलब इम्प्योरिटी होता है उसको निकाल देगा। तो ये पूरी मशीनें जो यहाँ से वहाँ तक दिख रही है, जितने टैंक दिख रहे हैं, इनका काम यही है कि जो तेल में से जो भी मतलब कच्चा तेल में से जो भी गंदगी है, एक तरह से कह लें जो भी कचरा है, जो गंदगी है, उसको निकाल के बाहर करता है। और ऐसे चार स्टेप हैं, ये पहला स्टेप है, और उसके बाद लाइन से इधर जितनी आपको मशीनें दिखाई दे रही हैं ये सारी की सारे सबका काम यही है कि जो भी कचरा है वो सब निकाले और उसके बाद फ्रेश तेल बाहर एक्सपोर्ट जो पैकिंग के लिए होता है वो उसमें जाए। अच्छा देखिए, आपका जो तेल होता है कई प्रोसेस होता है, जैसे हो गया सनफ्लावर का, हो गया सनफ्लावर को चार प्रोसेस से चलाते हैं, और आपका सोयाबीन हो गया, सोयाबीन को हम तीन प्रोसेस चलाते हैं, क्योंकि उसमें आपको वैक्स नहीं होता है, सोयाबीन के तेल में वैक्स नहीं होता है, और सनफ्लावर के तेल में वैक्स होता है। वैक्स का मतलब समझते हैं कि जब तेल लेंगे ना, कभी देखते होंगे कि जिसमें वैक्स होता है वो तेल जमना शुरू हो जाता है ठंडी के समय। अच्छा, समझ रहे हैं। और ये सोयाबीन के तेल में वैक्स नहीं होता है, ये जमेगा नहीं, तो वैक्स को निकालने के लिए थर्ड प्रोसेस जो है ना चालू करना पड़ता है। जैसे सनफ्लावर का तेल है ना, सनफ्लावर के तेल में वैक्स को चलाएंगे तो जम जाएगा उसी में, और तेल निकल जाएगा, फिर तब चौथे में जाएगा, और ये डायरेक्टली एक दो चार तीन नंबर छूट जाएगा, क्योंकि इसमें वैक्स नहीं होता। तो ये फर्स्ट प्रोसेस का तेल है जो कि तैयार हो गया इतना। ये कौन सा सोयाबीन है कि सनफ्लावर है? ये हमारा सोयाबीन का तेल है। ओके, ये अभी इसकी इस तेल की फर्स्ट प्रोसेसिंग हुई है, अभी देख लो कैसा कलर है, और लास्ट प्रोसेसिंग जाते जाते इसका कलर एकदम क्या बोलते हैं चेंज हो जाता है, जो येलोइश है वो हट जाता है। ये जो तेल वहाँ से निकला था वो यहाँ पे आ गया है, वो वहाँ पे मिट्टी मिक्स होता है। हाँ, मिट्टी मतलब केमिकल होता है, केमिकल मिक्सिंग होने के बाद हमारा वहाँ मिक्सिंग होने के बाद इधर फिल्टर में आकर के मिट्टी हमारा रुक जाता है, फिल्ट्रेशन होकर के इधर से हमारा तेल साफ हो जाता है। ओके, मतलब वो केमिकल मिलाते हैं तेल को क्लीन करने के लिए और उसका कलर काटने के लिए। अच्छा ठीक है, वहाँ जितना कलर आया ना, हाँ, उसका कलर यहाँ हमारा 50% काट देता है, 50-60-70% तक। ओके, तो अभी देखिए वहाँ से तेल काट क्या बोलते हैं कलर काटने के बाद यहाँ से तेल निकल रहा है और ये फिर इधर जाएगा, ये तेल निकल के चला जाएगा वो हमारा फाइनल प्रोसेस। ओके, तो सोयाबीन वाले में तीन प्रोसेस होता है, फर्स्ट वाला आपने देखा, ये सेकेंड वाला देख लिया, उसके बाद ये अब लास्ट है, ये लास्ट प्रोसेस है डिओडाइजर। ये डीओ ड्राइजर होता है, जैसे कि ये फाइनल स्टेज है तेल का, इसमें हम वैक्यूम कम से कम 760 mm होता है इसमें वैक्यूम, और इसके बाद इसमें तेल हम डालते हैं, इसमें तेल का टेम्परेचर 250 से ऊपर रखते हैं, तेल का टेम्परेचर 250 से ऊपर होता है तो क्या है कि उसमें तेल जाएगा तो उसमें जितना भी उसका एफएफए होता है यहीं से वेपर बन के सब
फ्री फैटी एसिड। अच्छा, फ्री फैटी एसिड। हाँ, इसमें से हमारा भैकम से सब जितना है फैटी एसिड है एफएफए को उड़ा देगा। उड़ाने के बाद हमारा जो एफएफए है तेल का वो डाउन हो जाता है। डाउन होने के बाद यहाँ से निकलने के बाद आप तेल को पैक कर सकते हैं, फिलिंग करके टीना में वो या पैकिंग करके उसको खा सकते हैं। देखिए लास्ट प्रोसेस तक आते आते ऑयल का कलर देखो कितना क्लीन हो गया। यहाँ पे देखो अभी सैंपल निकाल के दिखाते हैं कि वहाँ पे कलर कैसा था और लास्ट जब फाइनल फिनिशिंग निकलती है वो कैसा हो जाता है। ये देखो ये है फाइनल प्रोडक्ट, आप खुद ही कंपेयर कर लो। स्क्रीन पे दोनों दिखा रहा हूँ मैं, तो दोनों कंपेयर कर लो कि पहले कैसा था और अब कैसा है। ये जो लाइन जा रही है ऊपर पाइपलाइन, ये वाली यू ऐसे चली जाती है और वहाँ से चली जाएगी पैकिंग वाले एरिया में जहाँ पे पाउच और टीन में पैक होता है। तो ये जो मेरे पीछे मशीन लगी हुई है इसमें देखो ये ऑलरेडी वहाँ पर पाउच लगा हुआ है प्लास्टिक, ऐसे वो नीचे आता है उसमें तेल फिल होता है और जो भी 500 ग्राम या 1 लीटर का जो भी फिलिंग होती है वो होने के बाद यहाँ पे आता है और फिर उसके बाद उठा के मैनुअली यहाँ पे रखते हैं बॉक्स में। ये जो मशीन लगी हुई है तो इस मशीन में यहाँ पे रखते हैं, तो ये जो भी ये जो बॉक्सेस रखे हुए हैं तो इसमें बारी बारी उठा के रख दिया जाता है, फिर वो एक बॉक्स बन के तैयार होकर फिर ऐसे देखो ऐसे स्टोर करके रखा हुआ है, ऐसे स्टोर करके रख देते हैं। ये है क्या बोलते हैं जो टीन रखा हुआ है मेरे पीछे, इसमें ऑयल फिल करने के लिए ये मशीन यूज होती है। तो भैया बताएंगे कि कैसे ये काम करता है, बताइए इसमें काम। तो मतलब इसमें क्या है, वो टीना लगाने के बाद इधर से ऑन करना पड़ता है, ठीक है। ऑन करने के बाद जो कंप्रेसर चालू करना पड़ता है, कंप्रेसर में ये सब उठेगा, उसके बाद चालू करने के बाद जब नीचे गिरेगा, नीचे गिरने के बाद भरता है, भरने के बाद फिर मतलब जितना सेट करते हैं उतना ही वेट रहता है उसमें, सेट करके आगे पूरा जाता है, सीलिंग होता है, फिर आगे स्टार्टिंग होकर उतारता है। तो इनके बताने के अनुसार एक बार वहाँ से जब आप ये जो टीन है वहाँ से डाल देंगे तो ये जो टीन है वो फिल करता है और फिल करने के बाद ये ट्रेल पे ऐसे आगे बढ़ते जाता है और यहाँ पे आके इसका क्या बोलते हैं सीलिंग का काम होता है। सील करने के बाद फिर पैक करने के बाद वहाँ पे ऐसे स्टोर करके रख देते हैं, उसके बाद फिर जहाँ भी इसको ट्रांसपोर्ट करना रहता है वो लास्ट में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है इसको ऐसे।